गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि बड़े बच्चे हैं जिन्होंने स्टैट्स अटेंड नहीं की थी ऑनलाइन क्लासेस में, जैसे कल ही मैंने अभी आप लोगों को मंडे टेस्ट के लिए क्वार्टाइल डेविएशन दिया, तो उसमें जैसे सुशांति कह रहा था कि मुझे नहीं आता, तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं ये वीडियो दोबारा से बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ जिसमें क्वार्टाइल डेविएशन को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपने मीडियन पहले भी निकाला हुआ है, मीडियन निकाला है, मीडियन में आप 50% फाइंड आउट करते थे, तो अब आप ये देखो पेपर पर यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन निकाला है, तो क्वार्टाइल डेविएशन में हम 25% ऑफ द स्केल और 75% ऑफ द स्केल निकालेंगे, यानी कि Q1 और Q3 फाइंड आउट करना, और Q1 और Q3 फाइंड आउट करके ही क्वार्टाइल डेविएशन निकलेगा। तो अब जैसे कि यहाँ पर देखो डाटा दिया हुआ है, डाटा के साथ ये जो है क्लास इंटरवल, इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और इसमें हमने सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ ध्यान दो वो फाइंड आउट किया है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मीडियन में भी एक बात समझाई थी, जहाँ छोटा स्कोर दिया होगा बस वहीं से एडिशन शुरू करनी है। अब यहाँ पर हमने एडिशन जो है छोटा स्कोर बॉटम में दिया, जैसे 30 to 34 वहीं से हमने स्टार्ट किए, और हमने 1, 3, 9, 16, 25, 36, 44, 51, 56, 59, 60 और इस तरह से हमने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली। जैसे मीडियन में n/2 निकालते थे तो n/2 50% ऑफ द स्केल 50th percentile निकलता था, वैसे ही इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले n/4 निकालना। n/4 जो है वो 25th percentile है स्केल का, n की वैल्यू यहाँ 60 है, इसको 4 से डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15। और सेम मीडियन के फॉर्मूले की तरह ही Q1 का फॉर्मूला है, Q1 में L प्लस n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो फ्रीक्वेंसी एट द पॉइंट इनटू I, सेम वैसे ही जैसे मीडियन में लेते थे, फ़र्क इतना है वहाँ हम n/2 लेते थे, यहाँ हम n/4 लेंगे। n/4 हमारा 15 निकला, 15 हमने फाइंड आउट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ फॉल कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि सबसे नियर स्कोर जो है जहाँ पर फॉल कर रहा है वो है 16, तो 16 पर जो Q1 फॉल कर रहा है। बस अब सारा डाटा यहीं से फाइंड आउट करेंगे, क्लास इंटरवल की तरफ चलेंगे, वहाँ लोअर लिमिट जो है हमारी कितनी आ रही है 44.5, जो मीडियन में आपको मैंने बताई भी थी निकालनी। उसके बाद n/4 आपने 15 निकाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिलो ऑफ द स्कोर वेयर n/4 फॉल्स, तो वो 9 आ गया, और फ्रीक्वेंसी एट द पॉइंट बिल्कुल सामने वाली फ्रीक्वेंसी वो 7 आ गई, और यहाँ पर डिफरेंस जो है क्लास इंटरवल का वो क्या है 5 है। तो अब आप नेक्स्ट यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन देख लो, और ये कैलकुलेशन वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कर लो, और यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है हमने लोअर लिमिट ले ली, और वहाँ पर हमने उसको लोअर लिमिट के साथ जो है हमारे पास n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो का जो वैल्यू आ गई 6, उसको फ्रीक्वेंसी एट द पॉइंट आ गया 7, और क्लास इंटर डिफरेंट वो जो है क्लास आई की वैल्यू जो जो है हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल वो 5 आ गया, तो वैल्यू हमारी जो है इसको आप बोर्ड मास के थ्रू कैलकुलेट करो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है Q3 आ गया 75% ऑफ द केसेस, n/4 की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड आउट कर ली है, अब आप उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 into 15 n/4 की वैल्यू, तो ये 45 आ गया। अब इसको सेम हम देखेंगे कहाँ पर,
हमने देखना है सीएफ में ये कहाँ फॉल करेगा। तो सबसे नियर स्कोर आ रहा है 51, क्योंकि अगर हम 44 जीरो से लेके 44 तक लिखें तो उसमें 45 नहीं आएगा। तो हमें नेक्स्ट 51 में देखो, जीरो से लेके 51 तक काउंटिंग लिखी जाए तो 45 फॉल करेगा उसमें। अब यहाँ पर हम एन बाय फोर जो है हमारा 3n/4 यहाँ फॉल कर रहा है तो ये आ गया, और इसमें हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिलो बन जाएगी 44 और फ्रीक्वेंसी एट द पॉइंट हमारा बन जाएगा 7। ये देखो जैसे यहाँ पर हमने लिया हुआ है और लोअर लिमिट हमारी 64.5 आ गई एंड 3n/4 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की 45 आ गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एट द पॉइंट 44 आ गया और इसको फ्रीक्वेंसी एट द पॉइंट 7 और साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारा क्या आ गया 5। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 45 में से जैसे माइनस किया 44 1 आ गया तो 1/7 × 5। अब आगे देखिए जैसे 64.5 + 5/7, 5 को डिवाइड किया 7 से 0.71 आ गया और 64.5 आ गई और ये प्लस करने पर हमारी वैल्यू 65.21 आ गई। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q3। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं और जो हमारा QD है, QD का फॉर्मूला क्या है, Q3 - Q1/2। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू डाल देंगे किसकी, Q3 की वैल्यू आ गई 65.21, उसको माइनस कर देंगे Q1 की वैल्यू से 48.79 और उसको डिवाइड किया जाएगा 2 से तो वैल्यू कितनी आ गई 16.42 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर हमने डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू आ गई 8.21। तो QD की वैल्यू कितनी आ गई 8.21। तो इसी तरह से एक बात याद रखना, कोटाइल डेविएशन को हम सेमी इंटर कोटाइल रेंज बोलते हैं। इंटर कोटाइल रेंज अगर निकालनी हो तो उसमें हम Q3 - Q1 करेंगे खाली तो हमारी इंटर कोटाइल रेंज आ जाएगी और सेमी यानी हाफ और उसी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी कोटाइल डेविएशन निकल जाएगी। अगर आप ध्यान से ये देखोगे और सुनोगे तो आई विश आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। Thank you guys.